हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम इस वीडियो में इस बात का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि लोअर पीसीएस मेंस जो 2019 में निकला था उसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को कहीं भी मिस ना करें, क्योंकि ये एक फैक्चुअल बेस्ड वीडियो है। ठीक है ना, तो अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इस वीडियो के हर एक पार्ट को ध्यान से देखें और मेरे कहने का मतलब है ध्यान से सुने, ताकि आपसे कोई भी डिटेल जो है इसका जो वो है मिस ना हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, कल के न्यूज़पेपर की कटिंग है, बीता हुआ कल, आज 23 है, कल 22 तारीख की कटिंग है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है पीईटी की लिखित परीक्षा अगस्त में संभव। हालांकि ये अगस्त में मुश्किल है थोड़ा सा, ये सितंबर में ही जाकर होगी, वो भी सितंबर के मिड से मानकर चलिए इसे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इसका लोअर मेन से क्या संबंध है, क्योंकि देखिए यूपी SSSC ने पहले ही बयान में ये कहा था कि पीईटी से पहले जो भी बैकलॉग हैं यूपी SSSC को, उनको क्लियर किया जाएगा। तो लोअर मेंस का, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट था वो 26 जून 2020 को आया था, और अब लगभग एक साल हो गई है। ठीक है ना, उसका मेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आने वाले जुलाई के एंड में या अगस्त में आपको इसका एग्ज़ाम का नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो जो भी लोग अपनी तैयारी में रुक गए थे या काफ़ी टाइम से वो परेशान थे कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएँ, कोई भी ढील ना बरतें, क्योंकि जल्दी आपको इसका नोटिस देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी आपने देख लिया है, हाल फिलहाल में यूपी SSSC ने जूनियर असिस्टेंट 23 जून को ही टाइपिंग टेस्ट ले लिया है, तो बैकलॉग निपटाने में तो यूपी SSSC लग गया है। तो यही है आज की जानकारी इस वीडियो में, क्योंकि यूपी SSSC अब जल्दी से जल्दी सारी जो भर्तियां हैं उनको बैकलॉग को कंप्लीट करेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।